का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला, हमें घर से निकाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। वैश्य महासम्मेलन के आयोजन में जुटे वैश्य बंधु, संगठन के साथ समाज को बढ़ाने के लिए लिया गया संकल्प। अभाना से लगे झिन्ना गांव में गैस सिलेंडर फटा, देर रात हुए हादसे में सारी गृहस्थी हुई जलकर खाक। वैलेंटाइन डे पर बजरंगियों ने निकाली बाइक रैली, युवाओं से पाश्चात्य संस्कृति से बचाने की दी समझाइश। छात्र क्रांति दल ने घंटाघर पर जलाई मोमबत्तियां, कश्मीर में हुए शहीदों को दी अपनी श्रद्धांजलि। और भगवान पंचकल्याणक महोत्सव में हुआ गर्भ कल्याणक, आचार्य विभवसागर जी महाराज के प्रवचनों से अभिभूत हुए श्रावक। दमोह नगर में होगा श्री 1000 मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। 24 फरवरी से 3 मार्च तक होगा यह आयोजन। पावन सानिध्य आध्यात्म योगी वात्सल्य मूर्ति 108 आचार्य श्री आर्यो सागर जी महाराज। पात्रों का चयन होगा 15 फरवरी 2017 को बुधवार सुबह 8:30 बजे से। आइए धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेकर धर्म लाभ लीजिए। और अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की दमोह तहसील इकाई की ओर से स्थानीय अस्पताल चौक स्थित मानस भवन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान अतिथि के रूप में भाजपा नेत्री डॉक्टर सुधा मलैया, नगर पालिका अध्यक्ष मालती साठी, संगठन के प्रदेश मंत्री सुधीर अग्रवाल, जिलाध्यक्ष राकेश अग्रवाल, युवा अध्यक्ष गणेश अग्रवाल, तहसील अध्यक्ष पदम भटौरिया की मौजूदगी में माँ लक्ष्मी का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत एवं उद्बोधन हुआ। वहीं अंत में प्रतिभाओं का सम्मान करने के बाद अतिथियों के सम्मान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। सोनी जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वह आए और नगर के मनोनीत अध्यक्ष पदम भटौरिया जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने युवा अध्यक्ष का माल्यार्पण से स्वागत करें। सामाजिक क्षेत्र में जितने भी कार्य हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो या किसी भी प्रकार के जो सामाजिक जलूस वगैरह निकलते हैं या फिर तीर्थ मतलब यात्राएं वगैरह निकलती हैं, उन सभी का स्वागत ये वाईकाई के द्वारा निरंतर किया जाता रहता है। भाई, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मुझे 5 साल हो चुके हैं जिलाध्यक्ष का कार्यभार संभाले हुए, उस समय सदस्य संख्या 125 थी। आप सब लोगों के सहयोग इसने आशीर्वाद से आज सदस्य संख्या 1500 पर पहुंच गई है। शपथ लेता हूं कि वैश्य महासम्मेलन की नगर इकाई के जो दायित्व की जिम्मेवारी मुझे प्रदान की गई है, उसका मन से, वचन से, कर्म से, पूरे मनोयोग से उसका पालन करूंगा। तहसीलों में इस वैसे समाज का आयोजन किया जा रहा है। सम्मानीय हमारे सुधीर अग्रवाल जी भाई साहब निरंतर हम लोगों के बीच में रह के काम कर रहे हैं। वैसे समाज एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा कितनी ही कठिनाइयों के बीच अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। संगठन बनाने की जरूरत है या नहीं है, और ये इससे जो जब बाद में अलग अलग संगठन बनते हैं व्यक्ति अकेले तो एक प्रतिबद्धतावाद की भी बात बाद में आती है, लेकिन जब कोई पिछली बार भी हमने ये बात कही थी, बहुत से लोग ये कहने लगते हैं कि वैश्वीकरण का युग है,
वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि हम, क्योंकि सारे मार्केट्स हमारे बाजार हमारे भारतवर्ष में भी उपलब्ध है, हम कहीं भी जा रहे हैं तो सब चीज़ें एक सी हो रही हैं, होती जा रही है, वर्ल्ड ट्रेड एक सा होता चला जा रहा है, तो इसलिए उसमें देशों की दूरियां बढ़ जाएंगी, देशों की सीमाएं बढ़ जाएंगी, समाजों की दूरियां और सीमाएं और रेखाएं बढ़ जाएंगी। उठकर ये सिखाया गया है कि तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानदारी से मतलब रखना है। ये इतनी गहराई तक पहुंचाई गई कि 100 में 95% लोग हमारे भाई लोग, उनकी सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद दुकान और देर रात दुकान बंद करके घर आना, इस तक ही 95% जीवन गुजर रहा। रक्षा अग्रवाल 10th क्लास में 100% प्रणाम श्री आशीष गुप्ता, नन्ही बालिका छोटी कक्षा से ही अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया होगा दीपा गंगवाल जी ने, एमकॉम में टॉप कर रहे हैं भाई दीपक अग्रवाल, हमारे घटक दल के वरिष्ठ जन भी मौजूद हैं, हम सम्मान होने आमंत्रित करते हैं सर्वप्रथम श्री। कोटा थाना के झिन्ना गांव में देर रात गैस सिलेंडर के फटने से कई परिवारों की पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार गांव के धर्म सिंह का पुत्र राम सिंह घर में रसोई पकाने के लिए नई गैस की टंकी लेकर आया था, लेकिन टंकी में से गैस के लीक होने के कारण वे उसे बदलने के लिए गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए। वहां से नई टंकी लाने के बाद उसे जलाया, लेकिन इसमें से भी गैस लीक होने के कारण यह हादसा हो गया। इस हादसे में पड़ोसी शगुन सिंह, गुलाब सिंह, बहादुर सिंह के मकान भी जलकर खाक हो गए। वहीं पुलिस में दोपहर तक नहीं पहुंचने के कारण यह लोग भूखे प्यासे परेशान होते रहे। अभाना से उत्तम मेहरा की रिपोर्ट। कैसे लग गई है आग? ये लाग मतलब टंकी उतर से आई, उनने चाय बनाने के लिए कोशिश की कि हम देख लें टंकी कैसी है, उनने चाय बनावे हो वो करी और आग लगाई उसमें, मतलब चालू करी गैस और गैस में आग लग गई, फट गई, तो सब लोग भाग लाए। जब उसमें गैस में आग लगी तो सब निकल के भाग लाए बाहर। यादव HP गैस एजेंसी से आई है भाना। तो टंकी लीक कर रही थी पहले से? ये नहीं पता हम लोग को, मालूम है वो तो मालूम तो काहे को जलाते, ऐसा पता होता तो पहले ही ना बाहर रख देते या कुछ भी प्रॉब्लम बता देते पहले से, ये सब कुछ पता नहीं था तब तो। इसकी सूचना आपने एजेंसी वालों को दी है? एजेंसी वालों को भी दी, पुलिस को भी दी, लेकिन ना तो पुलिस आई ना एजेंसी वाली आई, किसी ने देखा भी नहीं। यहाँ पे खाने के लिए भी कुछ नहीं है, एक एक बर्तन से लेके सब कुछ चला गया, एक अन्न का दाना भी नहीं, आज के खाने के लिए भी नहीं बचा है, ना ही एक बर्तन है, ना पानी पीने के लिए भी नहीं है। फिर भी सबको पता दिया हम लोग ने, फिर भी किसी ने कुछ खबर नहीं लिया। पुलिस इंक्वायरी करने भी नहीं आई? नहीं, पुलिस इंक्वायरी के लिए आया, न गैस एजेंसी वाला कोई नहीं आया। रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराई ना, वैलेंटाइन डे को भारतीय संस्कृति के लिए घातक बताते हुए अपनी संस्कृति के अनुरूप युवाओं को जागरूक करने के लिए बजरंग दल एवं बेहिप के पदाधिकारियों ने एक बाइक रैली शहर के प्रमुख मार्गों स्थानों के साथ शहरी सीमा से लगे अनेक स्थानों से निकाली, जिसमें यह युवा अन्य युवाओं को विदेशी संस्कृति को छोड़कर अपनी प्राचीन परंपरा को ही अनुसरण करने की सीख देते नजर आए। इस प्रायोजन के बारे में पदाधिकारियों ने अपनी बात कही। कि आज 14 फरवरी है, वैसे तो कुछ नहीं रहता है, बाकी
पश्चिमी सभ्यता को लेकर हमारे यहाँ के भारतीय युवा हैं जो कुछ जो पश्चिमी सभ्यता को मानते हैं वो आज के दिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं जो कि पूर्णतः संस्कारहीन है। हम ऐसे युवाओं से कहना चाहेंगे कि पश्चिमी सभ्यता को ना अपनाएं, अपने संस्कार और अपनी भारतीयता को अपनाएं और वैलेंटाइन डे का विरोध करें। द्वारा वैलेंटाइन डे का विरोध किया जा रहा है, जिस तरह नगर के रेस्टोरेंट पार्क स्थलों पर आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भ्रमण किया और जो भी प्रेमी जोड़े मिले उनको समझाइश देकर छोड़ा गया है कि आइंदा से इस तरीके की कोई भी हरकत ना करें, क्योंकि वैलेंटाइन डे कोई दिन नहीं है। एक वैलेंटाइन डे एक व्यक्ति था जो जिसकी मृत्यु हुई थी आज के दिन, वो भी विदेशी था, उसकी याद में कुछ लोगों ने उसको वैलेंटाइन डे के रूप में ले लिया है। युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, उनका हम विरोध करते हैं। छात्र क्रांति दल छात्र सर्व कल्याण समिति के तत्वाधान में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्थानीय घंटाघर पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा में 12 फरवरी को कश्मीर के गुलगाम जिले में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए भारत माता के दो सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में क्रांति दल के युवाओं की मौजूदगी रही। 12 फरवरी को हुए आतंकी हमले में हमारे भारत देश की सुरक्षा में तत्पर रहने वाले भारत के वीर सैनिक दो सैनिक शहीद हुए, इनके परिवार को भगवान ईश्वर असीम शक्ति प्रदान करें। इस हेतु छात्र क्रांति दल के तत्वाधान में आज हमें एक श्रद्धांजलि सभा छात्र क्रांति दल द्वारा यहां आयोजित की गई है, जिसके द्वारा हम परम परमेश्वर ईश्वर से यह कामना करते हैं भगवान उनके परिवार को असीम शक्ति प्रदान करें। दमोह संसदीय क्षेत्र की बड़ा मलहरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम भगवा पार्शपुरी में आचार्य व्यवसागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मंगलवार को गर्भ कल्याणक पूर्व की क्रियाएं की गई। इस दौरान सुबह से ही पूजन विधान के साथ पंचकल्याणक की क्रियाएं हुई। इसके बाद आचार्य पर्वत के प्रवचनों का आयोजन किया गया, जहाँ पर बड़ी संख्या में समाज के लोगों की मौजूदगी रही। भगवा से पुनीत जैन की रिपोर्ट। समय होता है उसके 6 माह पूर्व ही सौदर्य मित्र की आज्ञा पाकर के अयोध्या नगरी में रत्नों की वृष्टि आरंभ कर देता है और रत्न वर्षा प्रारंभ होती है। 74 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन होती है। इस क्रम से यह वर्षा चलती है 6 माह तक, उसके बाद गर्भ में आने पर 9 माह तक रत्नों की वर्षा होती है। इस तरह से 15 महीने में लगभग 63 अरब रत्नों की वर्षा होती है। अब सोचिए कि रत्न वर्षा क्यों होती है, क्योंकि पुण्यवान पुरुष जहाँ जन्म लेते हैं वह धरती भी पुण्य धरती होती है। दमोह में लूट तथा चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 410 पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनके द्वारा लूट तथा एटीएम तोड़ने की वारदात कबूले जाने के बाद पुलिस द्वारा अन्य मामलों में पूछताछ की जा रही है। मंगलवार को कोतवाली में आयोजित पत्रकार वार्ता में सीएसपी आर राजन तथा नवागत टीआई प्रदीप सोनी ने मीडिया कर्मियों को वारदात की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार 8 फरवरी को पथरिया फाटक ओवरब्रिज के नीचे मलयाना निवासी साबिर खान के साथ 3 युवकों ने लूटपाट की थी। साबिर के पास से 2 मोबाइल तथा 4,000 रुपए लूटकर आरोपी फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने धारा 394 का मामला दर्ज किया है। मामले में पकड़े गए आरोपी मुकेश शुभम राजेश जाटव तथा मनोज सेन के पास से 2 मोबाइल एवं 600 रुपए बरामद किए गए। दमोह में यातायात व्यवस्था के कारण ओवरलोड ट्रकों का परिचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसी के चलते 3 गुल्ली पर सोमवार की रात को एक ओवरलोड ट्रक पलट गया। हालांकि इस मामले में कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे ने यातायात परिचालन की कतई कलई खोल दी है। यदि उस दौरान कोई चपेट में आ जाता तो क्या होता। ट्रक में भरे अनाज के बोरों को रात में मालिक की ओर से उठवा लिया गया, वहीं सुबह से क्रेन की मदद से ट्रक को उठवाया गया। प्रशासन को इस हादसे से सबक लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। दमोह से शिरीष शाही की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिला शाखा दमोह द्वारा 14 फरवरी को अपनी मांगों के समर्थन में प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण हेतु एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार सातवां वेतनमान 1/1/2016 से लागू किए जाने, साथ ही छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश जारी करने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। आह्वान पर छठवें वेतनमान की विसंगति जो सभी संवर्गों में की गई है उसका संशोधित वेतनमान जारी किया जाए एवं सातवें वेतनमान की जो घोषणा 1/1/2016 से दे है उसकी तत्काल घोषणा की जाए। इस संबंध में 2 सूत्री मांगे मुख्यमंत्री जी के नाम पर दी गई है और यदि ये घोषणाएँ शीघ्र से शीघ्र यदि नहीं जारी की जाती है तो हम लोग आंदोलन के लिए पात्र। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस अवसर पर 15 फरवरी को दमोह के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास शर्मा को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग मुख्यालय भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मतदाता सूची के सतत पुनरीक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने पर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा को प्रथम पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस दौरान पथरिया तहसीलदार रूपेश सिंघई भी पुरस्कार प्राप्त करेंगे। श्री सिंघई पूर्व में राज्य निर्वाचन आयोग में OSD के रूप में पदस्थ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची के सतत पुनरीक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जा रहा है। सुरेखा कॉलोनी में बने श्री कृष्ण मंदिर में की वर्षगांठ के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर विशेष रूप से सुरेखा परिवार की ओर से राधे राधे संकीर्तन मंडली की ओर से देर रात तक कान्हा के गीतों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान नजर आया। यहां पर शहर के अनेक इलाकों से आकर लोगों ने राधा कृष्ण के दर्शन करने के साथ ही भक्ति गीतों का आनंद लिया। इस दौरान लोग भक्ति में भाव विभोर नजर आए। पटेरा थाना अंतर्गत जमुनिया गांव में एक महिला को उसके ही देवर ने लाठियों से पीटकर घायल कर दिया, जिसके बाद यहां उसे इलाज के लिए पटेरा लाया गया। वहीं उसके बाद गंभीर हालत होने पर दमोह रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार लक्ष्मीराम अहरवार की पत्नी अमूल रानी अहरवार को देवर मूलचंद ने लाठियों से मारपीट कर दी। पुलिस ने मामला कायम कर जांच में लिया है। पटेरा से श्रीकांत मिश्रा की रिपोर्ट। बोल रहा हूं परसों के दिन कि दिल्ली कब जाना है। और तुम अपने बाल बच्चे देखो, हमें जाने यहाँ से चले जाए, नहीं जाने यहाँ से नहीं जाए। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तूफान टीवी। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल चौबीसी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री एक्सवार सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बालयोगी आचार्य श्री एक्सवार सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।